दोस्तों, स्पेस सूट ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के हर कोने का बच्चा काफ़ी फैसिनेटेड है। स्पेस सूट स्पेस में ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ है। जब भी स्पेस ट्रैवल की बात हो, ऑटोमेटिक दिमाग में स्पेस सूट पहना एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फंक्शनल लेवल पर यह अपना काम बखूबी करता है, जो कि है स्पेस यात्रियों मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जीवित और सुरक्षित रखना। फिर भी दोस्तों, क्या आपको स्पेस सूट के बारे में फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। अगर आप जानना चाहते हो कि स्पेस सूट फ्यूचर में कैसे दिखेंगे और कितने एडवांस्ड होंगे, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स नॉलेज में, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप स्पेस में अपने रोज़मर्रा के कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि गाइस ये बात तो आप भी जानते हो कि स्पेस में ऐसी कंडीशंस होती है जो कि इंसान के जीवित रहने के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, जिससे इंसान का स्पेस में ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है विदाउट स्पेस सूट। दोस्तों, स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के साथ साथ उन सभी कंडीशन से भी बचाता है जिससे स्पेस में किसी भी इंसान की मौत हो जाएगी। गाइस, 12 मिलियन डॉलर्स मतलब 87 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इसे बनाया जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑक्सीजन, पीने का पानी, यहाँ तक कि इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था भी होती है। इतना ही नहीं, स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर किसी चीज़ की स्टडी या स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम करते हुए स्पेस सूट एक रॉकेट पावर्ड बैकपैक से जुड़े होते हैं, ताकि स्पेस यात्री मतलब कि एस्ट्रोनॉट आसानी से उड़ान भर सकें। दोस्तों, किसी इंसान के द्वारा पहना गया पहला स्पेस सूट रशियन SK-1 स्पेस सूट था, और इसे 1961 में यूरी गगारिन ने मानव द्वारा कंडक्टेड पहली स्पेस फ्लाइट के दौरान पहना था। गाइस, स्पेस सूट के ऑफिशियल एमरजेंस से पहले फाइटर पायलट्स और टेस्ट पायलट्स बहुत अधिक ऊंचाई वाली उड़ानों के लिए फ्लाइट सूट का उपयोग करते थे। दोस्तों, इनफैक्ट 1930s फ्लाइट सूट ने 60s के दशक में यूज़ किए जाने वाले स्पेस सूट का विकास किया। दोस्तों, टेक्निकली आप एक स्पेस सूट के बिना स्पेस में जीवित रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड तक। हालांकि आप उतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। एस्ट्रोनॉट मुख्य रूप से सुरक्षा के रूप में स्पेस सूट पहनते हैं। स्पेस सूट स्पेस के जानलेवा एटमॉस्फेयर से एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें बहुत गर्म या ठंडा होने से बचाते हैं, साथ ही साथ उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। यही नहीं दोस्तों, एस्ट्रोनॉट को कई बार स्पेस वॉक करना पड़ता है, जिसका मतलब है एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेसशिप से बाहर किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी होती है, और इसके कारण उन्हें स्पेस के खतरनाक एटमॉस्फेयर में जाना होता है, जिससे उनका स्पेस सूट बखूबी उनको प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, स्पेस वॉक के दौरान उन्हें कई डिफरेंट टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, जो कि सनलाइट में 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, और इसके अपोजिट बिना सनलाइट में 0 से -156 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, स्पेस के वैक्यूम होने के कारण स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता रहता है। यही नहीं, स्पेस में जो डस्ट और कचरों के बिट्स जो काफ़ी स्पीड में होते हैं, उनके इम्पैक्ट से भी ये एस्ट्रोनॉट को बचाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन से भी बचाता है। तो दोस्तों, क्या स्पेस में बिना स्पेस सूट के जिंदा रहा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक के लिए। गाइस, अगर आप बिना प्रोटेक्शन के स्पेस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि आपकी लाइफ 10 से 15 सेकंड की होगी। आपका खून वो भी खौलेगा या जमेगा नहीं, बल्कि आपका शरीर विद इन 15 सेकंड में फूलने लगेगा, और सफोकेशन के कारण तुरंत डेथ। दोस्तों, एक स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट के सारे बॉडी पार्ट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिसमें कि हाथ, सिर, चेस्ट, पैर सब कुछ आते हैं। स्पेस सूट के सभी पार्ट्स वो सभी एस्पेक्ट्स को पूरा करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से लेकर बाहर की डस्ट और कंडीशंस वगैरह से प्रोटेक्ट करना भी शामिल है। दोस्तों, स्पेस में सोलार रेडिएशन भी एक बड़े जानलेवा खतरे में आता है, और गाइस, अर्थ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंसान इस कंटिन्यूस सोलार रेडिएशन से सुरक्षित है। हालांकि स्पेस सूट हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड जितना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन स्टिल गाइस, ये काफ़ी समय तक के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेस में बॉडी फूलने लगती है, जिससे वहां पर डेथ हो जाती है, इसलिए स्पेस सूट का सबसे पहला काम यह है कि वो एस्ट्रोनॉट को एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि एस्ट्रोनॉट की बॉडी फूले नहीं। गाइस, स्पेस सूट में इलास्टिक रबर जैसे मटेरियल की एक लेयर बनाई जाती है, जिसके अंदर प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन होती है, इससे एस्ट्रोनॉट की मोबिलिटी में भी सुधार होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट या किसी ऑब्जेक्ट्स के जो मलबे होते हैं, वो स्पेस में 27,000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट को काफ़ी जानलेवा खतरा होता है। लेकिन दोस्तों, स्पेस सूट को पंक्चर रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि वो इन सभी खतरों से एस्ट्रोनॉट को बखूबी प्रोटेक्ट करें।
गाइस ऑरेंज कलर्ड एडवांस क्रू एस्केप सूट। दोस्तों एस्ट्रोनॉट ऑरेंज कलर के स्पेस सूट को पहनते हैं जिन्हें लॉन्च और एंट्री सूट कहा जाता है, जब वे धरती को छोड़ते हैं और जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं। दोस्तों ये एस्ट्रोनॉट की मदद करने या किसी स्पेस शटल टेकिंग या टेक ऑफ के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जैसे जैसे इंसानों की रीच स्पेस में बढ़ी, इंसान ने अपना सबसे पहला कदम चांद पर यानी मून पर रखा और कई चंद्र मिशन किए और चंद्रमा की खुरदरी सतह पर चलने के लिए स्पेशल स्पेस सूट डिज़ाइन किया जिसके बूट्स एस्ट्रोनॉट को वह सतह पर चलने में मदद करते थे। और दोस्तों इस आइकॉनिक बूट्स का डिज़ाइन काफ़ी फेमस हुआ जिससे कई छोटे से बड़े ब्रांड्स ने उन बूट्स से इंस्पायर होकर कई नए शूज़ बनाए जो काफ़ी फैशनेबल और ट्रेंड्स में रहे। गाइस स्पेस सूट सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते जिससे कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ स्पेस में सेफ रहें। स्पेसक्राफ्ट में अचानक ऐसे होने वाले एक्सीडेंट हो सकते हैं जैसे कि अचानक प्रेशर लॉस हो जाए या कुछ और भी, तो इससे उनकी रक्षा हो सके इसलिए स्पेस सूट को हर जगह लॉन्चिंग, री एंट्रिंग, लैंडिंग और किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी स्पेस स्टेशन से जोड़ते समय ज़रूर पहना जाता है। और दोस्तों एक और डाउट जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या स्पेस सूट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए स्पेस सूट सेम ही डिज़ाइन का होता है। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है स्पेस सूट वैसे वैसे एडवांस्ड होते जा रहे हैं। दोस्तों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ साथ नासा भी एक ऐसे स्पेस सूट का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर के स्पेस ट्रैवल का एक पार्ट होंगे। दोस्तों इसे पहनकर हम ना केवल मंगल ग्रह पर जा सकेंगे बल्कि बिना परेशानी के हम किसी अन्य ग्रहों पर भी इसे पहनकर जा पाएंगे। दोस्तों इन स्मार्ट सूट में ऐसे फीचर्स होंगे जो कि इंसान की स्किन को सेल्फ हील कर पाएंगे। और दोस्तों इन स्पेस सूट की स्मार्ट आउटर मेम्ब्रेन पहले ही होने वाले खतरे के बारे में बताने में सक्षम होगी। और दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है कि आयरन मैन के सूट की तरह इन स्पेस सूट को भी पहनने वालों को सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने ही दिख जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।